दिल्ली कूच से पहले किसान 2 फरवरी को कुरुक्षेत्र में ट्रैक्टर मार्च निकाल करेंगे शक्ति प्रदर्शन। अपनी लंबित मांगों को लेकर किसानों ने 13 फरवरी को किया है दिल्ली कूच का ऐलान। गांव-गांव मीटिंगों का दौर जारी। 13 फरवरी को किसान एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वायदा खिलाफी की है। जो वायदा सरकार द्वारा किया गया था उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है। अब वह अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक बार फिर दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। दिल्ली कूच को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में किसानों द्वारा पदाधिकारियों की मीटिंग की गई और 13 फरवरी दिल्ली कूच को लेकर सभी किसानों की ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली कूच से पहले किसान 2 फरवरी को कुरुक्षेत्र में एक ट्रैक्टर मार्च करेंगे। यह ट्रैक्टर मार्च करीब 15 किलोमीटर निकाला जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को दिल्ली कूच के लिए प्रेरित करना है। आज किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की मीटिंग हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि जैसे पहले हम दिल्ली गए थे वैसे ही दिल्ली जाएंगे और 13 फरवरी को दिल्ली जाएंगे और 2 फरवरी को माता बाला सुंदरी कुलदेवी है जो अपनी, वहां से ट्रैक्टर मार्च निकाल कर लोगों ने बताएंगे कि 13 फरवरी को ऐसे ही जैसे पहले आंदोलन हुआ है वैसे ही जाना है सबना। और जैसे अम्बाला पहले चला था, कुरुक्षेत्र पीछा नहीं रहेगा। कुरुक्षेत्र के सारे मतलब जितने किसान हैं सब जाएंगे और जितने हमारे किसान नेता भी हैं यहाँ तो सब की ड्यूटी लगा दी है कि 10-10 ट्रैली तो इनकी वैसे ही जाएंगे। तो किस प्रकार की तैयारी है कुरुक्षेत्र में भाई साहब? फुल तैयारी है। 10-10 तो जैसे 10 मनले जी, 10 धर्मपाल जी, 10 संजीवना, हमारी इतनी ट्रैलियाँ तो आप ही हैं, बाकी किसान भी हमारे साथ हैं सारे। तो मीटिंगें की जा रही हैं आंदोलन? बिल्कुल जी, मीटिंग की जा रही है और गांव में जाके जैसे 28-29-30 को हम जाएंगे गांव में जाकर और लोगों के साथ संपर्क करेंगे कि अपना जलना है ये वो।